दोस्तों, भारत सरकार ने जो है सभी लोगों के लिए जो है लॉकडाउन का डेट जो आप सबको बढ़ा दिया गया, आप सबको पता होगा, जैसे कि जोन जो है जोन की कैटेगरी से जो है सभी इंडिया में जो भी मतलब स्टेट हैं या जो राज्य हैं डिस्ट्रिक्ट हैं सभी को जोन वाइज सिलेक्ट किया है। और उसमें से बहुत सारे लोग जो है अपने जगह से जो है ट्रेन के थ्रू जो है वापस भी आ रहे हैं। और लॉकडाउन जो है 17 मई तक जो है वो एक्सटेंड हो चुका है। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जो भारत सरकार ने जो पैसे भेजे हैं उन सबको आप कैसे चेक करेंगे, क्योंकि इस बार जो है सभी लोगों को जो है पैसे दिए जा रहे हैं, क्योंकि सभी लोग जो है बहुत लोग जो थे फंसे हुए उन सबको जो है पैसे नहीं वो कमा पा रहे थे, तो बहुत सारे प्रॉब्लम थी। तो आज आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। आप इस वीडियो को देखते रहिए, सारे लिस्ट को चेक कर पाएंगे और अपने बैंक अकाउंट के थ्रू आप सब कुछ कर पाएंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें और नीचे स्क्रॉल करके सबसे पहले सब्सक्राइब कर दें, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो, और घंटी बटन को दबा देंगे तो और भी वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहेगी। वीडियो के नीचे आपको कमेंट कर देना है नाइस ट्रिक के साथ साथ अपना लिख दें कि आप, फिर दूसरा कमेंट कर दें कि आप कहाँ से हो, मतलब किस जगह से, बिहार यूपी आप जिस भी जगह से हो जरूर हमें कमेंट में बताइए। और दोस्तों यहाँ पे देखिए शेयर का बटन है, आपको शेयर पे क्लिक करके इस वीडियो को शेयर कर देनी है। देखिए व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप में कर देंगे तो और भी लोग इस बारे में जानेंगे और वो भी जो है सारा लिस्ट को चेक कर पाएंगे अपने फ़ोन से घर बैठे। और देखिए इस पर क्लिक करके आपको नीचे लिंक मिल जाएगा, पहले आप वीडियो देख लीजिए उसके बाद जो है आप लिंक पे जाके आप चेक करिएगा। तो मैंने आपको नीचे वेबसाइट दिया है, वेबसाइट आपको ओपन करना है। वेबसाइट ओपन करने के बाद पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम इस तरह से आपको मिलेगा, PFMS। तो आपको नीचे स्क्रॉल करना है और दोस्तों यहाँ पर देखिए आपको मिलता है नो योर पेमेंट, तो आपको नो योर पेमेंट पे क्लिक करना है। नो योर पेमेंट पे क्लिक करने के बाद पेमेंट बाय अकाउंट नंबर लिखा हुआ है, सो आपको यहाँ पे बैंक अकाउंट बैंक का नाम चूज करना है, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, देखिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है या SBI, मतलब जो भी है आपका वो आपको यहाँ पे डाल देना है। पंजाब नेशनल है तो पंजाब नेशनल भी यहाँ पे लिस्ट में आपके सामने है, आप पंजाब नेशनल डाल सकते हैं। वैसे मैं यहाँ पे डाल देता हूँ तो आपको भी इस तरह से डाल देनी है, मैं बिहार ग्रामीण बैंक में डालता हूँ। तो देखिए कितना ज़्यादा यहाँ पे आसान तरीका है चेक करने का, और इसमें बस बैंक का नंबर यहाँ पे डालिए, अकाउंट नंबर भी मैं डाल देता हूँ, ये देखिए मैंने कॉपी करके रखा था इसलिए मैंने डाल दिया। और फिर उसके बाद आप ध्यान देंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है कैप्चा, में आपको कैप्चा लिख देना है, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा 0744 और उसके बाद AA, ये देखिए सर्च कर देनी है दोस्तों। सर्च कर देने के बाद नीचे दोस्तों देखेंगे, स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे देखिए बेनिफिशियरी नेम, स्कीम नेम, पर्पस सब यहाँ पे डाला हुआ है, और UTR नंबर, ये देखिए क्रेडिट ट्रांजेक्शन ID, और यहाँ पे और इधर करेंगे तो आपको जो पैसे मिले हैं वो सब यहाँ पे दिख जाता है। तो मतलब ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है और आसान तरीका है, इस तरह से आप चेक कर सकते हैं। ये देखिए 1200 रुपये, 800 रुपये, तो आप भी हमें बताइए कमेंट सेक्शन में आप कहाँ से हैं। तो या अगेन मैं आपसे कहना चाहूँगा, अगर आपने इस वीडियो को जो है लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, लाइक पे दबा के, और सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और डाउनलोड लिंक देखिए ये है, ठीक है, यहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। वीडियो के नीचे आपको कमेंट कर देना है आप कहाँ से अगर आपने अभी तक कमेंट नहीं किया है तो। चलिए मैं आपसे मिलता हूँ किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, इंटरेस्टिंग जानकारी के साथ। बाय।